ईशान किशन, रात को एक अपडेट सामने आई थी कि इंजरी के चलते ईशान किशन पहले राउंड से बाहर हो गए हैं, उससे पहले परसों कृष्णा भी बाहर हो गए हैं और सूर्य कुमार यादव भी चोट के चलते पहला राउंड नहीं खेल रहे। तीन स्टार्स के पास मौका था खुद को साबित करने का, खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर काम करने का, लेकिन अब दूसरे राउंड में नजर आएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे बड़े नाम थे अंकिता, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सरफराज खान, जयदुत पड़ीकल, कई सारे नामी प्लेयर्स आज मतलब बिल्कुल उम्मीद क्योंकि बड़े प्लेयर से ज्यादा होती है और वहां पर लगता है कि शायद वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। लेकिन निराश किया डेफिनेटली श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि अभी टीम इंडिया में भी वापसी करनी है और अगर आपका ऐसा प्रदर्शन रहा, चलिए पहली इनिंग है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद ज्यादा थी कि चलिए कम बैक हो रहा है। और हमारे काफी टाइम मतलब आई थिंक श्रीलंका सीरीज के बाद ऋषभ पंत, माफ कीजिएगा, ये अय्यर का कम बैक हुआ, बुची बाबू में भी कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाए। ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो शायद दो साल बाद उनका कमबैक इंडोर क्रिकेट में, तो उम्मीद थी कि शायद ऋषभ पंत का बल्ला चलेगा, लेकिन सात रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं और ऐसा शॉट खेल के आउट हुए जिसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा टफ था शुमन के लिए कैच लेना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ा शानदार था। लेकिन ऋषभ पंत ने क्या किया, 10 बोले खेली, 7 रन बनाए, 70 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका। उम्मीद थी कि ये भी हमने भी कुछ आसान टास्क नहीं है क्योंकि श्रीलंका बांग्लादेश जो सीरीज होने वाली है 19 तारीख से शुरू होगी, पहला मुकाबला 19 तारीख को खेला जाएगा चेन्नई के मैदान पे और विकेट कीपिंग की रेस में केएल राहुल भी हैं, ध्रुव जुरेल भी हैं, खुद ऋषभ पंत भी हैं, सरफराज खान कह चुके हैं कि वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, यानी कि 4-5 ऑप्शन हमारे पास तैयार है। हालांकि हम सभी को पता है कि ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं, लेकिन अगर इस तरीके की फॉर्म रही और दूसरी पारी में, क्योंकि अभी तो इंडिया एक ही बल्लेबाजी आनी, वहां पे ध्रुव जुरेल का बल्ला चल गया या केएल राहुल का बल्ला चल गया, हेड मार दिया, तो ऋषभ पंत का क्या होगा अंकिता? बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए थे आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी इनका बल्ला नहीं चला और 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इसलिए भी थोड़े से चर्चा का विषय है क्योंकि जैसे ही गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने उसके बाद से ये लगा कि ऋषभ पंत का, माफ कीजिएगा, श्रेयस अय्यर का कमबैक हो गया। हमने देखा कि श्रीलंका सीरीज में भी आपको नजर आया, फिर ये कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलना ही पड़ेगा क्योंकि अभी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। उम्मीद थी शायद रेड बॉल क्रिकेट में अय्यर का बल्ला चलेगा, लेकिन नाकुश कप्तान ने कप्तानी पर नहीं खेली। पिछली 6 पारियां जो रही है प्रोफेशनल क्रिकेट में, श्रीलंका वनडे सीरीज पहले वनडे में 23 रन, दूसरे वनडे में 7 रन, तीसरे वनडे में 8 रन, 3 पारियों में से 2 ओवर वो शॉर्ट बॉल के खिलाफ आउट हुए। चले ठीक था कि वनडे फॉर्मेट में वापसी कर रहे थे, उतना आसान नहीं था, T20 क्रिकेट खेल के आ रहे थे। उसके बाद इनका कमबैक देखने को मिला बुच्ची बाबू सीरीज में, ब्रेक के बाद लौटे थे, पहली पारी में TNC 11 के खिलाफ मुंबई की ओर से खेलते हुए नंबर 3 पे ही खेले थे, पहली पारी में 2 रन, दूसरी पारी में 22 रन, जहाँ पे टीम ऑलमोस्ट 500 रन का टारगेट चेस कर रही थी वहां पे भी नंबर 3 पे आए, काफी समय स्पेंड किया 72 बोले के लिए और 22 रन बनाकर चलते बने, वहां पर भी वो शॉर्ट बॉल के खिलाफ आउट हुए। 5 पारियां हो गई, 6ठी पारी आज थी क्योंकि आज से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कमबैक देखने को मिला। 16 गेंदे, स्ट्राइक रेट 57 के आसपास का, 1 चौका, रन निकले केवल बल्ले से 9 रन, चौका बड़ा शानदार लगाया था लेकिन विजय कुमार वैशाख की बॉल पे आउटसाइड ऑफ सिस्टम के बाहर जो बॉल जा रही थी, बाहरी बॉल को छेड़ने की प्रयास किया और अपना विकेट अभिषेक कोरेन ने शानदार कैच, विकेट गिफ्ट में देखे गए, मतलब बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ने की जरूरत क्या थी, आप वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप T20 नहीं खेल रहे, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, खुद को समय देना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी लेकिन भगत तो फैंस है ना, भगत टीम इंडिया रही है। रन की पारी खेली 118 बॉल पे, 73 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके, 6 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले, 4-6-4 जो शॉट लगाया था गजब का था। और क्योंकि आपकी जो टीम थी वो आई थिंक 46 थे जी, 46 पे 34-5 हो गए थे, 34-5 होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पारी को बनाया, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का एकदम सही डिसीजन था, बैटिंग विकेट नहीं था, स्टार्टिंग टीम कह रहे थे कि अनंतपुर का जो विकेट होता है तेज गेंदबाजों को मदद करता है, तो काफी खराब शुरुआत देखने को मिली। 34-5 हो गए, ऐसा की बाकी टीम किसी और विकेट पे बैटिंग कर रही है और अक्षर पटेल किसी और ही विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 7 पे बैटिंग के लिए आते हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए भी 118 गेंदे के लिए 86 रन, 73 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके, 6 छक्के, पारी को बनाया, बड़ी शानदार बल्लेबाजी की और एक बार फिर से अपना दावा मजबूत किया है कि मैं टेस्ट टीम में तो रहूंगा लेकिन मुझे प्लेइंग 11 में खेलना है, मैं बेंच पर बैठने वाला प्लेयर नहीं हूं। उन्होंने कुलदीप यादव के लिए और रविंद्र जडेजा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बिल्कुल घंटी भी है, साथ साथ बात है सरफराज खान की, सरफराज खान को भी क्या हो गया, टीम ए के लिए बल्लेबाजी, माफ कीजिए टीम बी के लिए बल्लेबाजी करते नजर आया, 9 रन, मतलब आखिर डबल डिजिट का आंकड़ा इस टीम का कोई भी बल्लेबाज आई थिंक पार नहीं कर पाया जो बड़े प्लेयर्स है, क्योंकि सरफराज खान भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और अच्छी फॉर्म में भी आए हैं,
10 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले। और अच्छी ये चीज होती है कि आपको अगर कमबैक करना है, आप पे भूख है और टीम इंडिया में कमबैक करने के लिए, तो आप अपने भाई से भी प्रेरणा ले सकते हैं। ईश्वरन का जो की इस टीम के कप्तान है, उसके बाद 53 पे दूसरा यशस्वी जायसवाल और 80 पर टीम के 4 विकेट हो चुके थे। 80 पे 5 विकेट भी गिरा जयदीश रेड्डी का, 89 पे 6 और 94 पे 7 होने के बाद अब ये एक पार्टनरशिप बन रही है। नवदीप सैनी जो कि बल्ला चलाना जानते हैं, 212 बॉलों में 108 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 105 के निजी स्कोर पर मुशीर खान नाबाद है और नवदीप सैनी की बात करें 74 बॉले खेल चुके हैं, 4 चौका 1 छक्का 29 के निजी स्कोर पर नवदीप सैनी भी नाबाद। यानी कि इंडिया भी स्ट्रगल कर रही थी, 94 पर 7 हो गए थे, लग रहा था कि शायद 150 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन मुशीर खान ने पारी को बना के रखा है और पहला दिन खत्म होने तक इंडिया पीक स्कोर इंडिया ए के खिलाफ 202 रन हो चुका है 7 विकेट के नुकसान पर। मुशीर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, खलील अहमद को 2 विकेट मिली, 2 विकेट आकाशदीप के खाते में आई, 2 ही विकेट आवेश खान के खाते में आई और इनमें से राज होंगे और डेफिनेटली खेलने वाले मुकेश कुमार भी हो सकते हैं, लेकिन खलील अहमद या अर्शदीप सिंह का भी ऑडिशन चल रहा है क्योंकि हमको चाहिए एक लेफ्ट आर्म पेसर भी। अब यहाँ पे देखते हैं कि खलील अहमद आते हैं या फिर अर्शदीप सिंह आते हैं। एक परफॉर्मेंस तो खलील अहमद का अच्छा रहा, 17 ओवर में 4 मिनट में 39 रन, 2 विकेट उनको मिले हैं, लेकिन आवेश खान क्योंकि राइट आर्म पेसर है शायद वो पीछे रह जाएंगे, 2 विकेट उनको भी मिले। आकाशदीप भी एक मैच खेल चुके हैं, रांची में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था, 18 ओवर में 6 मिनट में 28 रन, 2 विकेट उनके खाते में आए हैं। अब देखते हैं कि अर्शदीप आते हैं या फिर खलील अहमद आते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉल होने वाली है। जसपाल की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जसपाल जब ओपन करते हैं तो हम कहते हैं स्टार्ट काफी अच्छा मिल जाता है, लेकिन बड़े प्लेयर्स कहाँ गुम हो गए। मतलब ये आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत मतलब प्रेशर वाला गेम तो इस तरीके से नहीं होगा आपके लिए, जितना प्रेशर आप टीम इंडिया के जब खेलते हैं वो गेम प्रेशर होता है, और खासकर बांग्लादेश के साथ खेलना तो और भी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा क्योंकि क्लीन स्वीप करके आ रही पाकिस्तान को। तो जसपाल से उम्मीद यही थी कि जसपाल ओपन करते हैं, आपके पास पेशेंस लेवल आंकने के लिए भी टाइम होता है, साथ ही साथ पिच को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन जसपाल अब जसपाल से जिस तरीके के शॉट में हम कहते हैं ना कि उम्मीद होती बड़ी, जसपाल हमेशा से ही हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए करते नजर आए थे, लेकिन इस मैच में आई थिंक बड़े प्लेयर्स को पता नहीं क्या होगा, चाहे वो श्रेयस अय्यर की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, सरफराज खान की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की, आज बल्ला किसी का चला नहीं। और एक लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी होने वाली है, हमने फरवरी मार्च में आईपीएल से पहले आखिरी बार टेस्ट मैच खेला था और कई सारे प्लेयर्स के पास खुद को साबित करने का मौका है क्योंकि कंपटीशन इतना जबरदस्त है ना कि था, जायसवाल भी है, ऋतुराज गायकवाड़ भी है, शुभमन गिल भी है जो की अपनी पोजिशन तक चेंज कर चुके हैं, ओपनिंग से अब नंबर 3 पे आते हैं, कॉम्पिटिशन प्लेयर्स के बीच भी काफी ज्यादा है। सब जानते हैं कि अगर इस सीरीज में मौका नहीं मिला यानी कि अगली सीरीज में भी हमारे खेलने के चांस और कम हो जाएंगे, ऐसे में अय्यर को परफॉर्म करना है, सरफराज को भी परफॉर्म करना है, नंबर 5 की लड़ाई भी है, देवदूत पड्डीकल ने भी एक ऑप्शन थे हालांकि वो भी कुछ नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं प्लेयर्स अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, उसका नतीजा हमारे सामने है। हालांकि जयसवाल एक स्टार्ट मिला था, 59 गेंदे खेली, 30 रन उनके बल्ले से निकले, 51 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके, बड़ी पारी खेल सकते थे लेकिन वो भी सस्ते में आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इंडिया सी के कप्तान है, इन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, 19 बॉलों में 5 रन, और इनकी टीम पहले से कमजोर है, उमरान मलिक नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, ऐसे में काफी कमतर में टीम को भी आंक रहा हूँ। हालांकि इन टीम का स्कोर हो चुका है 91 4 विकेट के नुकसान पर, पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया डी ने जो स्कोर बनाया था 64 बनाया था, इसमें से 86 रन अकेले अक्षर पटेल के बल्ले से निकले और इंडिया सी की टीम फिलहाल 73 रनों से पीछे है। अब देखते हैं कि दूसरे दिन किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं बाबा इंद्रजीत और अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा ने बड़ा इंप्रेस किया है। बिल्कुल, हर्षित राणा जो कि आईपीएल में